अध्याय 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे न समझे कि वह उनसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को
ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ये तो इब्राहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया,
यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है, और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके ही इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए।